दोस्तों भारतीय बाजार में एक तगड़ी जबरदस्त एसयूवी का मतलब करंट टाइम में तो टोयोटा फॉर्च्यूनर है, लेकिन कोरिया कंपनी किया मोटर्स भारतीय बाजार में ला रही है फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर देने अपनी एक नई प्लेटफॉर्म पर डिजाइन गाड़ी जिसका नाम है KA4। इस गाड़ी को सबसे पहले 2023 के इंडियन ऑटो एक्सपो में दिखाया गया और ये गाड़ी जिसने देखी उसने कहा कि भाई ये तो फॉर्च्यूनर की वॉट लगा देगी। अगर आसान शब्दों में आप इस गाड़ी की कैपेबिलिटी समझना चाहें ना, तो जितनी बड़ी फॉर्च्यूनर है फॉर्च्यूनर इसके आगे बच्ची लगेगी। फॉर्च्यूनर की टोटल लंबाई है 4,795 mm, जबकि ये जो दोस्तों गाड़ी है इसकी लंबाई है 5,115 mm। मतलब ये गाड़ी सुपर लग्जरी एसयूवी सेगमेंट में गिनी जा रही है और इसकी कीमत भी बहुत सस्ती होने वाली है, फॉर्च्यूनर से तो सस्ती होगी। आज की वीडियो में बताएंगे आपको इस गाड़ी बारे में सारी डिटेल। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किया कार्निवल डिजाइन में दोस्तों ये एक एसयूवी है। इसकी पहली की जो डिजाइन थी वो एमपीवी कहा जाता था, लेकिन जिस हिसाब से इस गाड़ी का डायनेमिक्स है वो इसे एसयूवी बनाती है। गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो भी इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। यह गाड़ी 7, 8 और 9 सीटर मैक्सिमम ऑप्शन में आती है। यहाँ पे बात करें दोस्तों इस गाड़ी की छत की, तो आमतौर में गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है सनरूफ या पैनोरामिक सनरूफ, लेकिन इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा डुअल पैनोरामिक सनरूफ, जो कि अपनी सेगमेंट में इंडिया की पहली गाड़ी है। यहाँ पे दोस्तों बात कर ले किया कार्निवल 2023 में क्या इंजन पावर देखने को मिलेगा, तो इस गाड़ी के जो इंजन पावर है वो हमें देखने को मिलता है 2.2 लीटर का डीजल इंजन, जो कि 194 PS का पावर विद द टॉर्क ऑफ 450 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। गाड़ी में 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अब इस गाड़ी का ट्रांसमिशन और पावर की बात करें तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ये गाड़ी ऑफ रोडिंग पे भी बहुत अच्छी परफॉर्म करने वाली है। बात करें गाड़ी की इंटीरियर्स की, इंटीरियर वाइज दोस्तों इस गाड़ी की सीट्स ना मानकर मैं इसे एक चलता फिरता घर कहना ज्यादा पसंद करूंगा। इस गाड़ी में बेहद ही लग्जरियस सीट देखने को मिलेंगे, इसमें मसाज जैसे फीचर देखने को मिलेंगे, इवन थाई सपोर्ट के लिए यहाँ पे एक्सटेंडेबल चेयर भी देखने को मिलता है, जो कि अमेजिंग है। इंटीरियर वाइज 10 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है जिसमें एंड्रॉयड एप्पल नेविगेशन, 360 डिग्री का पार्किंग व्यू कैमरा और यहाँ पे इसमें 12 स्पीकर्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों एयरबैग्स इसमें दोस्तों करीबन 6 से लेकर 10 एयरबैग्स के ऑप्शंस में आते हैं। कीमत की बात करूं तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस गाड़ी की जो स्टार्टिंग प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है वो 28 लाख से शुरू होगी और 40 लाख रुपीज में इसकी टॉप वेरियंट आ सकती है। यह गाड़ी दोस्तों इस साल 2023 में अक्टूबर तक लॉन्च हो जाएगी फॉर्चुनर को कड़ी टक्कर दे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या यह गाड़ी फॉर्चुनर को कड़ी टक्कर दे पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें ऑटो कंपेयर। मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।